चन्नूरदेह नगर स्थित दीपदर्शन कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज जल भराव और गंदगी के साथ ही सड़कों की बदहाली और बिजली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी आपबीती बताते हुए जल समाधान की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनकी कॉलोनी शहर में बिल्कुल पास है, इसके बावजूद भी कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस कॉलोनी में अन्य कॉलोनियों का पानी भी पहुंच रहा है, जिसके कारण गंदगी और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, यहाँ के वीडियो फोटो भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा और बच्चे इसके कारण यहाँ रहने वाले बुजुर्ग बच्चों और महिलाएं काफी परेशान हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जल भराव और गंदे पानी के कारण मच्छरों से बीमारी फैल रही है, ऐसे में उचित समाधान की मांग करते हुए आज प्रदर्शन किया गया। अगर जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर उन्हें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कौन सी जगह है, किस तरीके की परेशानी आ रही है? सर, हम दीपदर्शन कॉलोनी से हैं और यहाँ पर गली नंबर 1 से लेके 21 नंबर तक की गलियाँ हैं, जो 2004 से बसी हुई कॉलोनियाँ हैं। पंचायत के द्वारा अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत सोमलपुर के द्वारा। इसके लिए हमने विधायक साहब के पास भी गए, हम अपने लेटर हेड दिए हैं उनको और उन्होंने हमें कहा गया था कि ये खाताधारी की ज़मीन है, यहाँ पर आप NOC अनापत्ति पत्र दीजिए पंचायत को, उसके बाद में आपका कार्य होंगे। हम पिछले साल हमने अनापत्ति पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल है सामने, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोज चोटिल हो रहे हैं। स्थितियाँ आप देखिए रोडों की, कोई भी आना जाना सब दुश्वार हो रखा है। हमें बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा हमारे साथ में, और कभी भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक है कोई भी यहाँ पर आके हमारे शुद्ध ध्यान नहीं करता है। तो इसका हम यही चाहते हैं कि हमें रोड नाली कम से कम एटलीस्ट ये दो सुविधा कराई जाए। सुविधा हमें मिल जाए तो ताकि हमारे, आपका नाम? तो आज दीपदर्शन कॉलोनी गली नंबर 7 में रह रहा हूँ मैं। 2005 से बिल्कुल सरपंच, विधायक, MP और सारे मिनिस्टरों को तक अपना व्हाट्सएप पर वीडियो भेज चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही है। पूरे यहाँ न केवल बरसात का पानी बल्कि दीपदर्शन कॉलोनी में नवदुर्गा कॉलोनी, वकील कॉलोनी, नाड़ी और सोमलपुर गांव का पूरा पानी आ रहा है। केवल यहाँ तीन गलियों के ब्लॉक लगाए गए हैं और उन सब का पानी भी दीपदर्शन कॉलोनी गली नंबर 7 में आ रहा है। यहाँ पर इतने मच्छर हो गए हैं कि हम लोग जीवन दुर्भर हो गया है। एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती है और ना ही प्रेग्नेंट लेडीज को रोड तक ला नहीं सकते हैं, जबकि यह दीपदर्शन कॉलोनी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर तथा बस स्टैंड से 9 किलोमीटर दूर, ब्यावर रोड HMT पावर हाउस से मात्र 900 मीटर दूरी पर है, 500 मीटर और 900 मीटर के अंदर अंदर है, परंतु ना तो यहाँ रोड पर लाइट है, ना तो गलियों में लाइट है और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा है। कोई एम्बुलेंस भी आ जा नहीं सकता है, वृद्धों और बुजुर्गों को लाने आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप इसको दशा देख सकते हैं और यहाँ के पानी बिल्कुल सारे घरों में पानी घुस गया। बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार में उनको पति नहीं है, विधवा है, उसके घर का मकान भी ढहने वाला है। यदि मेरा नाम आनंद सिंह पटवाल है।